देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेखजुई। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के झालाना से बड़ी खबर सामने आई है। जलेपड एरिया में तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया, 3 फीट की छलांग लगाकर हमला कर दिया। मैच 5 सेकंड में कुत्ते को मौत के घाट उतार दिए। पूरी घटना झालाना में रूट नंबर 2 पर अर्जुन तलाई के पास घूमने आए लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। शुक्रवार शाम हुई इस घटना को देख टूरिस्ट भी हैरान रह गए। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और बढ़ता स्वाइन फ्लू सभी के लिए टेंशन का बाइस बन गया है। दरअसल राजधानी जयपुर में 17 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मरीज को वही श्रीगंगानगर में 21 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस के 10 जिलों में 32 मामले सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ गई है। इसके चलते शनिवार को जयपुर में बैठक भी हुई, लेकिन राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जयपुर और श्रीगंगानगर में स्वाइन फ्लू के जो मामले सामने आए ज्यादा गंभीर केस नहीं है, इस वजह से इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया है। राजस्थान पुलिस ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए कोटा में अपने दोस्त की हत्या के आरोप में शुक्रवार को एक नाबालिग को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले कोटा से एक छात्र की देसी कट्टे के साथ रील बनाते हुए गलती से गोली चलने की खबर आई थी। बाद में उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि पूरी घटना योजना के तहत हुई है। झलावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के डोलियाखेड़ा गांव में शुक्रवार देर शाम अपने ही घर में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ फंदे पर लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण तुरंत तीनों को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। महिला की हालत गंभीर है। झलावाड़ थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में पिछले दिनों दलित दूल्हे की विदोरी में हुई पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्त के खिलाफ ITC की धाराओं के साथ SC/ST एक्ट की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी गई है। बाबूलाल खराड़ी को आदिवासी राजा 007 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से धमकी दी गई है। बाबूलाल खराड़ी के PS ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। यूट्यूबर एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सांपों के जहर मामले में आरोपी एलविश यादव के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोवा और महाराष्ट्र में दबिश देकर 26 सटोरियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के CM को पत्र लिखा। राहुल ने कहा, मैं आपसे पीड़िताओं को हर संभव सहायता देने का अनुरोध करता हूं। ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला 28 अप्रैल को सामने आया था, और अब पूर्व मंत्री HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर किडनैपिंग का मामला भी दर्ज हुआ है। आज खबर दिनभर में सिर्फ इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।